सोमवार को बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक लगा दी। कोर्ट ने पूछा है क्या 25,000 नियुक्तियों में से सही तरीके से किए गए टीचर्स के अपॉइंटमेंट को अलग किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 6 मई को करेगा। याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जाए जिसमें सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि देखिए इसे किस तरह से किया गया है, ओएमआर शीट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, जो लोग पैनल में नहीं थे उन्हें रिक्रूट किया गया है, यह फ्रॉड है। वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सभी नियुक्तियों को खारिज कर दिया गया है जबकि सीबीआई को अब तक जांच में सिर्फ 8,000 नियुक्तियों में खामियां मिली है। स्कूल सर्विस कमीशन ने भी कहा है कि जो नियुक्तियां सही तरह से हो सकती थी उन्हें अलग किया जा सकता था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को 2016 में की गई 25,753 नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने इन शिक्षकों को 7-8 साल के दौरान मिली सैलरी 12% इंटरेस्ट के साथ लुटाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके लिए कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।